हृदय के अध्ययन को कहते हैं कार्डियोलॉजी। हृदय का कार्य क्या है, तो ये पंपिंग ऑर्गेन का काम करता है, यानी ब्लड को सर्कुलेटेड करने का काम हृदय का होता है। वजन कितना होता है, तो 300 ग्राम का होता है। रंग कैसा होता है, तो गुलाबी। ठीक है, मनुष्य में हृदय कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, मनुष्य में हृदय कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, चार। कितनी होती है, चार। मछली में हृदय कोष्ठों की संख्या कितनी हो जाएगी, दो। ठीक है, कॉकरोच में हृदय कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो 13। केचुआ का जो अध्ययन होता है, अध्ययन वर्मी कल्चर, और किसानों का मित्र किसे कहते हैं, किसानों का मित्र मिट्टी की उर्वरा क्षमता को बढ़ाने वाला एक जीव है केंचुआ, और किसानों का मित्र किसे कहते हैं, केंचुआ को कहते हैं। और केंचुआ में हृदय कोष्ठों की संख्या क्या कितनी होती है, तो 8। और केंचुआ जो होता है ये द्विलिंगी होता है, द्विलिंगी जीव है केंचुआ। ठीक है, यानी ये मेल और फीमेल दोनों होता है। ठीक है, घड़ियाल या पक्षी में हृदय कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, चार। ठीक है, सांप दिखाई दे रहा है। हेलो, इधर देखो, दिखाई दे रहा है। सांप, मेंढक और छिपकली में हृदय कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो 3। कितनी होती है, 3। सांप, मेंढक, छिपकली में हृदय कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, 3। घड़ियाल या पक्षी में हृदय कोष्ठों की संख्या, 4। केचुआ में, 8। कॉकरोच में, 13। मछली में, 2। मनुष्य में हृदय कोष्ठों की संख्या, 4। केचुआ के अध्ययन को क्या कहते हैं, वर्मी कल्चर कहते हैं। केचुआ किसानों का मित्र होता है, केचुआ द्विलिंगी होता है, और हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। हृदय का काम क्या होता है, पंपिंग ऑर्गेन का काम करता है। और वजन कितना होता है, तो 300 ग्राम का होता है। ठीक है, और हृदय को नियंत्रित करने वाला यंत्र जो होता है, हृदय को नियंत्रित करने वाला यंत्र पेसमेकर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। एक और चीज, एक मिनट में हृदय जो होता है 72 बार धड़कता है। हृदय कितने बार धड़कता है, एक मिनट में 72 बार धड़कता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और हृदय जो है एक मिनट में 72 बार धड़कता है, तो एक मिनट में 72 बार यानी एक धड़कन में 70 ml ब्लड को क्या करता है, छानता है, यानी प्यूरिफाइड करता है और उसको शरीर में भेजता है। ठीक है, कितना, 70 ml एक बार में। मानव शरीर में रक्त की संख्या जो होती है, रक्त वो 5 से 6 लीटर होती है, तो 5 से 6 लीटर रक्त को ये शरीर के अंदर पंपिंग करना। ठीक है, तो एक बार में 70 ml को पंपिंग करता है, तो एक मिनट में 72 बार धड़कता है, तो इंटू 72 कर देंगे। ठीक है, 7 × 2 = 14, 7 × 7 = 49, 1 = 50, लगभग 5040 ml
ब्लड को क्या कर देता है, ब्लड को यह एक बार में शुद्ध कर देता है, यानी छान देता है, ठीक है। तो छान करके पंपिंग कर देता है, ठीक है। और हृदय की लंबाई जो होती है, हार्ट की लंबाई, लंबाई कितनी होती है, 12 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, ठीक। ये रहा आपका हृदय, जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, समझिएगा। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा एक कोशिकीय जीव जो होते हैं, ठीक है, उसमें प्रजनन या जनन की क्रिया जो होती है दो प्रकार की, ठीक है। जनन की क्रिया कितने प्रकार से होती है, दो प्रकार, एक अलैंगिक जनन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है लैंगिक जनन, इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अलैंगिक जनन में होता क्या है, अलैंगिक जनन में नर या मादा के जनन अंगों का उपयोग नहीं होता, ठीक है। अलैंगिक जनन में नर या मादा का जनन अंग का कोई उपयोग नहीं होता है और उसमें प्रजनन की क्रिया हो जाती है, ठीक। लेकिन लैंगिक जनन में नर और मादा के जनन अंगों का उपयोग होना अति आवश्यक है, तब जनन की क्रिया हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। तो क्या समझे, लैंगिक जनन में नर एवं मादा के जनन अंगों का उपयोग नहीं होता है, नहीं होता। लैंगिक जनन में नर एवं मादा के जनन अंगों का उपयोग होता है, ठीक है, समझ गए। यहां पे दिया है अमीबा, यानी अमीबा का जो प्रजनन होता है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, वैसे जीव जो जिसका निर्माण एक कोशिका से हुआ है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। तो एक कोशिकीय जीव अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमनास, ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम और क्लेमाइडोमनास एक कोशिकीय जीव। और अमीबा में जो भोजन होता है वो किसके द्वारा होता है, कूटपाद के द्वारा। किसके द्वारा, अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, भोजन कूटपाद के द्वारा। अगर कहीं भोजन है, अमीबा की आकृति कैसी होती है, आकृति होती है अनिश्चित, आकृति अनिश्चित, यानी इसका कोई आकृति निश्चित नहीं है, ये अपना आकृति बदल सकता है। भोजन को जैसे यहाँ पे भोजन इसको दिखाई देगा, अपना आकृति को बढ़ाएगा और भोजन को अपने पास रख लेगा। और यह अपना प्रजनन जो करता है वो केंद्रक को विखंडन करके करता है, कैसे करता है, केंद्रक। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि अलैंगिक जनन में नर एवं मादा का कोई जनन अंग का उपयोग नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार अमीबा अपना जनन क्रिया कंप्लीट करता है, ठीक है, किस प्रोसेस से, तब विखंडन। तो यहां देखिए, ये अमीबा है, इसकी आकृति अनिश्चित है, इसमें इसको केंद्रक बोलते हैं, ठीक है। अगला स्टेप में ये प्रजनन के लिए क्या किया, अपने केंद्रक को बढ़ाया, ठीक है। सेकेंड स्टेप में एक बार में इसकी जनन नहीं होती है, देखिए प्रोसेस उसके हिसाब से जन्म होता है, ठीक है। सेकेंड बार में इस अपनी आकृति को ऐसे बढ़ाया जिसके अनुसार एक केंद्रक भी पहले छोटा था, अब बड़ा हो गया, ठीक है। सेकेंड बार में क्या हुआ, थर्ड बार में ये ऐसा अपना आकृति किया कन्वर्ट कि उसका केंद्रक कुछ लंबे हो गए, ठीक है, बड़े हो गए, लंबे हो गए। और लास्ट बार में क्या हुआ कि यह अपने इस केंद्रक को यहां से डिवाइड कर दिया, आधा उस इधर केंद्रक आ गया, आधा इधर केंद्रक आ गया,
और अंतिम जब चरण हुआ यानी प्रजनन पूर्ण विकसित हो गया, ठीक है, तो यह यहां से आपस में डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये आधा इधर चला गया और आधा इधर आ गया। अब यहां से दो जीव निर्मित, क्या ऐसे हम लोग में होती है क्या? नहीं ना होती है। तो ये द्विखंडन या बहु द्विखंडन या विखंडन कहते हैं। अमीबा में द्विखंडन का विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन, ये द्विखंडन से अलैंगिक जनन कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन को आप अमीबा नहीं मार सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन गलत हो जाए, आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कहा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ठीक है, किसमें? अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम, लिस्मेनिया। तो यहां पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो आप देखेंगे अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन तो हो रहा है लेकिन मुकुलन का प्रयोग नहीं हुआ, मुकुलन द्वारा नहीं हुआ, ठीक है। अब समझेंगे मुकुलन, ठीक है, इसको बोलते हैं मुकुलन। ये मुकुलन का है, ठीक है, इसमें 12 घंटे के अंदर कुछ चेंजिंग हो जाती है, 12 घंटे इतने कम समय के अंदर परिवर्तन। देखिए ये जैसे पौधा है मुकुलन का, तो इसमें ये 12 घंटे में पहले एक बुड निकलती है, कली निकलती है छोटी सी, ठीक है, और फिर अगले 12 घंटे के बाद यही जो बुड है, कली है, वह थोड़ा सा बहुत मतलब इससे बड़ा हो जाता है, ठीक है, ये अपनी आकृति को बढ़ा लेता है बुड कली, और 48 घंटे के अंदर में ये पूर्ण विकसित हो जाता है, ठीक है। तो पूर्ण विकसित हो गया, देखिए यहां से निकल गया और इधर फिर एक पौधा का निर्माण हो गया, यानी मुकुलन प्रक्रिया से पूर्ण हो गया। तो इसका क्या होगा? ईस्ट कोशिका एवं बहु कोशिकीय जंतु जैसे हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन पूछा है, तो ऑप्शन में ईस्ट हो या हाइड्रा हो, तो हाइड्रा तो ऑप्शन में है नहीं, तो ईस्ट है, ईस्ट, तो इसमें मेरा आंसर हो जाएगा ईस्ट। और प्लाज्मोडियम में बहु विखंडन होता है, बहु विखंडन की प्रक्रिया से इनका प्रजनन, ठीक है। तो ए क्वेश्चन समझ लीजिए, एनसीईआरटी में इसका बुक, एनसीईआरटी में इसका पिक्चर बहुत अच्छा से बनाया है, आप लोग देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? क्वेश्चन को पूरा पढ़ने का प्रयास कीजिए एग्जाम, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी गलती आपका एक नंबर लेके चला जाएगा। देखिए अक्सर क्वेश्चन पढ़ते हैं निम्न में से कौन कौन मादा जनन तंत्र का भाग, उतना पढ़ेंगे आंसर टिक कर देंगे, पता चलेगा कि यहाँ लिखा है नहीं है, ये नहीं वाला ना बहुत खतरनाक, ठीक है। तो प्रश्न को पूरा पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, जनन, जनन किसे कहते हैं या प्रजनन, जिससे जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे ही प्रजनन कहते हैं, ठीक है, और प्रजनन तंत्र किसे कहते हैं? तो जनन में जो अंग सहायक होते हैं, जो भाग लेते हैं, उसको प्रजनन तंत्र कहते हैं, ठीक है। तो समझेंगे कि मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो मादा में नहीं है यानी इस ऑप्शन में जो नहीं है वो अब किसका है? पुरुष का होना चाहिए। तो अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिम्बवाहिनी और अंडवाहिनी, यानी डिम्बवाहिनी को अंडवाहिनी भी कहते हैं, ठीक है। मानव में जनन जो होते हैं, ठीक है, वो दो प्रकार से होते हैं, कितने प्रकार से होते हैं? दो। अभी हम लोग पढ़े हैं कि लैंगिक और अलैंगिक जनन इस तरह, लेकिन जो जनन अंग का भाग है, तो एक जो जननांग है उसमें नर, जननांग एक नर होता है और एक मादा, नर और मादा,
नर जननांग में वृषण होता है, वृषण, और मादा जननांग में क्या होता है तो अंडाशय, क्या होता है अंडाशय। ठीक है, नर में भी एक जोड़ा वृषण होता है, कितना, एक जोड़ा, और मादा में भी अंडाशय है एक के जोड़ा, एक जोड़ा जोड़ी, एक जोड़ा अंडाशय भी एक जोड़ी होती है और वृषण भी एक जोड़ा। ठीक है, और वृषण से शुक्राणु निकलते हैं और अंडाशय से अंडाणु, और दोनों का निषेचन जो होता है फिलोपियन ट्यूब। ठीक है, फिलोपियन ट्यूब में वृषण से शिश्न मार्ग के द्वारा शुक्राणु को पहुंचाया जाता है और यहां से अंडाणु, और उसके बाद निषेचन की प्रक्रिया होती है, जायगोट। ठीक है, फर्टिलाइजेशन, जहां से ए अंडाशय जो होता है यहाँ पे शुक्राणु को आपस में संयोग करके अंडाणु में लेके चला जाता है। ठीक है, और वहाँ पे क्योंकि इसमें जो होता है शुक्राणु ये आगे की ओर तैरता है, अंडाणु आगे की ओर नहीं तैरता है। ठीक है, तो वहाँ से प्रजनन की क्रिया पूर्ण होती है, और प्रजनन की क्रिया एक मनुष्य में लगभग 266 दिन, कम से कम 266 दिन में पूर्ण होता है। ठीक है, या 270 दिन भी बोल सकते हैं, लेकिन 266 दिन में प्रजनन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, अब हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है तो इसका मतलब है कि पुरुष का होना चाहिए, तो पुरुष प्रजनन तंत्र के अंग, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, आपके एग्जाम में एक नंबर क्वेश्चन या तो इससे आएगा या इससे आएगा, फिक्स है कि आना है, क्योंकि ये जनन चैप्टर जो है इससे तो क्वेश्चन आएंगे। तो पुरुष प्रजनन तंत्र के जो अंग है वृषण टेस्टिस, अधिवृषण, शुक्रवाहिका, शुक्राशय, प्रोटेस्ट ग्रंथि और एक काउपर ग्रंथि, और एक होता है शिश्न, क्या होता है शिश्न, ये पुरुष प्रजनन तंत्र के अंग है। ठीक है, तो क्या इस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है शुक्रवाहिका और शुक्रवाहिका, तो जब मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है तो यानी पुरुष का है, तो पुरुष में आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि इसी के साथ जब पुरुष जनन तंत्र के अंग पढ़ लिए तो स्त्री जनन तंत्र के अंग भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले अंडाशय, दूसरा क्या होता है गर्भाशय, गर्भाशय, तीसरा क्या होता है अंडवाहिनी, अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी, और एक होता है योनि, जिसको वेजाइना बोलते हैं, योनि। तो ये स्त्री प्रजनन तंत्र के अंग है अंडाशय, गर्भाशय, अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी, देखिए यहां अंडवाहिनी डिंबवाहिनी, ठीक है, और यूनि। तो ये याद रखिएगा, अंडाशय की संख्या, अंडाशय कितनी जोड़ी होती है, एक जोड़ी होती है, वृषण कितने जोड़ी होते हैं, एक जोड़ी होते हैं, वृषण के बीटा सेल से किसका स्राव होता है तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। ठीक है, चलिए।